हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन गाइस. अपनी वर्ड सीरीज में आज हम नए वर्ड के बारे में पढ़ने लगे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आज का हमारा वर्ड है परसिवियरेंस. परसिवियरेंस मीनिंग परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग, डिटरमाइंड टू डू समथिंग. यानी कोई भी काम करना, उसको बहुत मजबूत इरादे के साथ करना, उसको करते रहना जब तक आप उसको खत्म नहीं कर लेते हैं. अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर वन, परसिवियरेंस इज द ओनली वे टू सक्सेस. यानी कामयाब होने का एक ही तरीका वो है परसिवियरेंस. यानी आप उस किसी भी काम को बहुत मजबूत इरादे के साथ करें और जब तक वो खत्म ना हो जाए उसको छोड़े ना. एग्जाम्पल नंबर टू, शी इज नोन फॉर हर परसिवियरेंस. वो अपनी परसिवियरेंस के लिए जानी जाती है. यानी वो जब भी कोई काम करती है वो बहुत मजबूत इरादे के साथ करती है, उसको छोड़ती नहीं है जब तक वो उसको कामयाब ना बना ले, खत्म ना कर ले. एग्जाम्पल नंबर थ्री, ग्रेट वर्क्स आर परफॉर्म नॉट बाय स्ट्रेंथ बट बाय परसिवियरेंस. यानी जो बड़े काम है, अजीम काम है, वो ताकत के जोर पे नहीं किए जाते बल्कि वो परसिवियरेंस से किए जाते हैं. यानी आप जब भी कोई बड़ा काम करते हैं आप बहुत मजबूत इरादे के साथ उसे कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं और जब तक उसको खत्म नहीं कर रहे उसको छोड़ते नहीं है. एग्जाम्पल नंबर फोर, हिज परसिवियरेंस मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यानी उसकी जो परसिवियरेंस है उसके खूबी और उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है. यानी वो जब भी कोई काम करता है वो बहुत मजबूत इरादे के साथ करता है, हर हाल में उसे खत्म करने की कोशिश करता है, कामयाब बनाने की कोशिश करता है. एग्जाम्पल नंबर फाइव, इवन दो ही वॉज टायर्ड, अगरचे वो थका हुआ था, ही परसिवियर्ड एंड फिनिश द रेस. लेकिन वो बहुत मजबूत इरादे के साथ लगा रहा, उसने उसको छोड़ा नहीं और रेस को खत्म किया. आई होप आपको परसिवियरेंस का मीनिंग और एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई होंगी. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में परसिवियरेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने एग्जाम्पल जरूर लिखें. थैंक यू.